हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्चुअली टीचर हैं। टीचर मीन्स एक वो इंसान जिसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। क्या समय है आपके पास? अगर नहीं है तो थोड़ा सा समय निकालो, क्योंकि आज मैं वो बात करने जा रहा हूँ जो शायद टीचर की दूसरी तरफ है और आपको जानना चाहिए। टीचर के बारे में बहुत सारे लोग कई सारी बातें कहते हैं। एक्चुअली हम हैं क्या, हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि कुछ बिगड़े हुए बच्चों को सही रास्ते पे लेकर आना और जो सही चल रहे हैं उनको और ऊपर लेके जाना और जो उनसे और बैठे हैं उनको बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाना। लेकिन शायद हमारे साथ यही बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं जो समझ नहीं पाते लोगों को। कहने का तो लोग कहते हैं गुरु, टीचर्स, फैकल्टी, स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वहां से कई सारे कमेंट मिलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, सर आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। बट शायद कहीं पीछे उन्हीं टीचरों का बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। शायद उनके बहुत बुरे बुरे स्केचेस बनाए जाते हैं, किसी को मोटा कहा जाता है, किसी को लंगड़ा कहा जाता है, किसी को चश्मे कहा जाता है। लेकिन क्या एक बात सोचिए आप लोगों ने, हमारा मोटिव क्या है आपको पनिश करने का? हम क्या कहना चाहते हैं? इन्हीं चीजों को लेकर हमने एक हमारा यूट्यूब चैनल बनाया है। उस चैनल पे हम लोग नए नए वीडियोज लेकर आएंगे और सोशल मतलब इवन सामाजिक तत्वों पे बात करें। इस बार हमने सामाजिक विषय लिया है पेरेंट्स और स्टूडेंट। एज अ टीचर की बात करी जाए तो हम लोग इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा एक विषय है पेरेंट्स और स्टूडेंट या उनके बच्चे। तो मैंने बात करी थी पेरेंट्स और चिल्ड्रन की। पेरेंट्स माता पिता बच्चों के लिए शायद एक बहुत बड़ा सा वर्ड, बिकॉज सबके लिए अपने मेरे पापा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन शायद कोई बच्चे समझ नहीं पाते। और बाबा के लिए बच्चे तो सब कुछ होते ही। पेरेंट्स बच्चों को बड़ी मेहनत से पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं, उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते हैं। बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे और बाबा थोड़ा सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अब वो अपने पैरों पे खड़ा होने जा रहा है। लेकिन एक सवाल, बच्चा बड़ा हो गया है, अब बच्चा इतना समझदार हो गया है कि वो अपनी ही अकॉर्डिंग चीजें अडॉप्ट करे, तो एक समस्या खड़ी हुई कि भाई अब बच्चा क्या अडॉप्ट करेगा, क्या वो सही अडॉप्ट करता है या बुरा अडॉप्ट करता है, गलत चीज अडॉप्ट करता है। इसी शंका में बेचारे पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। वही टेंशन बच्चों के ऊपर लागू की जाती है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, कितनी देर में आओगे, अकेले तो नहीं हो, किससे बात कर रहे हो, रात को लेट क्यों जग रहे हो, सुबह जल्दी उठना चाहिए। ऐसे कई इलाके कई सारी चीजें होती है जो पेरेंट्स बच्चों पे लगाते हैं, जिसको बड़े शब्दों में बाउंडेशन कहा जाता है बच्चों के ऊपर। और बच्चा अगर उनसे कोई बात कहता है तो बातों को सुना जाता है, और अगर उसी पे अगर पेरेंट्स उनकी राय देते हैं तो बेटा ये गलत है, आप गलत करो, आप हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, हमारी जनरेशन के है ही। अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। तो चलो ठीक है, दूसरा पहलू भी लेते हैं। ये तो बात की स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, अब पेरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मेरा कहना ये है कुल मिलाकर कि दो चीजें हैं अगर इनकी बात की जाए, एक तरफ स्टूडेंट है बच्चा है, एक तरफ पेरेंट्स है। इन दोनों को ही शायद अपने आप में कम्युनिकेशन की मिस्टेक्स हो रही है, जिसकी वजह कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, जिसकी वजह से वो चीज बैलेंस नहीं हो पा रही, और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से कई सारे बच्चे गलत आदतों पर पड़ जाते हैं, गलत चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं जिसके बारे में उनको नहीं पता कि वो उन्हें लेनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है या मेरा ऐसा कहना है, आप समझ सकते हैं जिस जो भी आपको पॉइंट लगता है, कि अगर पेरेंट्स को बच्चों से डील करना है तो पेरेंट्स को उनकी एज के बराबर आके सोचना पड़ेगा, तभी शायद वो उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि पेरेंट्स मेच्योर हैं, बड़े हैं, तो वो गलत स्टेप नहीं ले सकते, बच्चे छोटे हैं वो गलत स्टेप ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग ये सोचें कि जो बच्चा काम कर रहा है उसको सुन ले, तसल्ली से समझ ले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। अब मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ज्यादा फ्रीडम दे दें तो इशू में, कम फ्रीडम दे दें तो इशू में, एक्चुअली करें क्या हम? तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैटर को वहीं छोड़ दें जहां वो मैटर है, उस मैटर को दोबारा डिस्कस नहीं किया जाए, क्योंकि मैं शायद दूसरे अब जो बच्चे हैं और वो बच्चे उनका मानसिक संतुलन मतलब अगर मेंटेलिटी का देखा जाए ना तो थोड़ी सी ग्रोइंग है, वो पता है खुश रहने में ज्यादा बिलीव करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, वो बिलीव करते हैं कि आज मेरे दोस्त ने मुझसे बात करी, मुझको थोड़ा सा टाइम दिया, मुझे अच्छा लगा, बच्चा घर पे गया, घर पे आके मम्मी से बात करी, बेटा मैं बिजी हूँ मैं खाना बना रही हूँ, दो मिनट को मम्मी से बात कर, ठीक वो बात दोबारा नहीं आती है और नहीं वो बच्चा डिस्कस कर रहा है। अब बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो उसको बात बतानी है, अंदर से घुटन महसूस हो रही है, किसी को बताना है, किसी को बताना है, किसी को बताना है। आज उसे एक नया फ्रेंड मिला है या उसका कोई फ्रेंड है, उससे उसने बात करी, उसने पूरी बात सुन ली, अब वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा है कि भैया बहुत मजा आया, अच्छा लगा। यही हम लोग कई कुछ कमी छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा हमसे दूर चला जाता है। तो बेसिकली हम टाइम नहीं दे पाते। आई नो कि हम लोग बिजी हैं, हम लोग के पास बहुत सारा काम है, हमारे पास बहुत सारे टेंशन है, लेकिन अगर आपका बच्चे ने कुछ गलत चीज अडॉप्ट कर ली तो वो टेंशन आपकी और बढ़ सकती है। अगर वो कुछ ऐसी संगतों में पड़ गया जिसको निकालने में आपको बाकी सारी चीजों को छोड़ के ध्यान देना पड़ा, तो बाद में भी आपको वही काम करना है जो आपको अभी करना है। तो मेरा इन सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप समय समय पर थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें। तो बस हमारे पेरेंट्स को समझते नहीं, बहुत प्रॉब्लम, बहुत टेंशन है, घर में मुझे कोई समझता नहीं, बहुत अकेला। और हर एक टीनेजर का एक पॉइंट तो आप ऐड कर दो कि वो अकेला है, उसके पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बहन है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ, बट वो अलोन अकेला। अगर किसी भी बच्चे से आप मिलो और बात करो शायद तुम अलोन फील कर दो, बहुत अकेला होगा, बट इतने सारे लोग होने के बावजूद आप अकेला फील करते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी बात सुनने के लिए कोई नहीं, इसलिए आप अकेला फील करते हैं। आप एक बात सोचिए कि आपकी मम्मा सुबह उठती है, वो सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूसली काम करती है बिकॉज आपके लिए, आपके पापा के लिए, आपके भाई के लिए, आपके बहन के लिए। आपके पापा के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपकी मम्मा की कुछ बातों को वो डिस्कस कर पाए या सुन सके। आपकी मम्मा भी अकेली ही है। आपके पापा सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, शाम को आते हैं थका के खाना खा के सो जाते हैं, वो भी अकेले हैं, उनके पास भी कोई नहीं। हम अपने भाई बहनों से ही बात नहीं कर पा रहे ढंग से क्योंकि उससे मेरी बनती है, क्यों बनेगी? हमारे पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते, हमारे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करते, वाह बेइज्जती कैसे मिलती? आज मेरे फ्रेंड के सामने पापा ने मुझे उसके सामने डांट दिया, मुझे इंसल्ट कर दिया। आपके पापा ने आपको अपने दोस्त के सामने डांट दिया, आपकी बेइज्जती होगी, आपकी इंसल्ट होगी। वही पेरेंट्स जब आपको केयर करते थे तो आपकी बेइज्जती नहीं होती, और बेइज्जती तो शायद उसकी होनी थी, उसकी बहुत बड़ी इज्जत हो, अभी तो आपने इज्जत कमाई नहीं है, पहले कुछ बन जाए उसके बाद बात करें। आई थिंक मेरे हिसाब से पेरेंट्स को पूरा राइट्स है बच्चे के लिए कोई भी डिसीजन लेने का। हाँ, हम डिस्कस जरूर कर सकते हैं कि वो पेरेंट जो डिसीजन ले रहे हैं सही है कि गलत है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सभी पेरेंट्स सारे डिसीजन सही लेते होंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। अब दो इशू हैं, गलती दोनों तरफ से हो रही है, बच्चों की तरफ से भी हो रही है, पेरेंट्स की तरफ से भी हो रही है। नंबर वन, पेरेंट्स को टाइम निकालना चाहिए बच्चों से बैठ के बात करें। अब उसकी पेरेंट्स प्लानिंग करते हैं कि भाई आज बच्चा आएगा रात को 9 बजे, हम उससे बैठेंगे, उससे बात करेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम निकालने के लिए उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम निकालना पड़ेगा जिस समय वो कंफर्टेबल हो। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल के उससे बात करें। बच्चा भी घूम करके घर से आया है, दोस्तों से मिलकर आया होगा, अब उससे बात करोगे ये सही टाइम नहीं है। अब बच्चों के लिए इशू है कि हम पेरेंट्स से बात करें, ठीक है आप भी बात करो, पापा ऑफिस से आए हैं आज पापा से बात करें, गलत समय है, गलत टाइम है आपसे बात करें।
थके हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, शायद हमें उनका वेट करना चाहिए कि वो खाना वाला खाने या वो रिलैक्स हो जाए, उसके बाद हम उनसे बात, लेकिन नहीं, हमें अभी बात करें। गलत। सो यहाँ दोनों चीजों में गलत चीज ये हो रही कि दोनों ही ढंग से सही समय पर टाइम नहीं कर पाते। अब बात करने का तरीका ये भी होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं सर हम लास्ट ईयर बच्चे को घूमने लेके गए थे, हम उसको विंटर समर वेकेशन पे लेके गए, घुमाने लेके गए, बाहर लेके गए। सर एक्चुअली इनसे ना घूम चले, घूमने फिरने से बच्चा आपके क्लोज नहीं आ पाएगा, आपको उससे उसी की लेवल की बात नहीं करनी, आपको वही बनना पड़ेगा जो वो चाहता है। और स्टूडेंट और बच्चे को भी यही सोचना चाहिए कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो पेरेंट्स की बात को सुने। जब आपकी मामा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, थकी हुई है, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। पापा ऑफिस से आए, अगर आप एक गिलास पानी पिला दोगे तो ये बहुत कुछ काम कर जाएगा, लेकिन पानी भी मम्मी पिलाएंगी। बोलने के बाद अगर पानी पिलाने का कोई वेटेज नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। बेटा मैं पापा गए तो पानी पिला, कोई मतलब नहीं उसका। सो एक समय पे सब चीज हो तो ज्यादा बढ़िया। मैं स्कूल में हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आज साइकिल मिली है क्योंकि मेरे को साइकिल चलाने की इच्छा, मेरी इच्छा की साइकिल मेरे पास भी हुई, तो ही मुझे साइकिल पसंद आएगी। मुझे उसका इंपॉर्टेंस तभी महसूस होगा जब वो साइकिल मेरे पास होगी। उसी एज में मेरा समय निकल जाएगा, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा काम है और मेरे पास बाइक भी मिली, मैं चला दी, सो कोई वेटेज नहीं। सही समय पर सही चीज करी जाए तो ही उसका। एक और इशू है अब बाउंडेशन। बेटा 9 बजे तक आ जाओ, फिर से बात कर लेते हैं, ये फोन दो तुम्हारा चेक करना है। मैं क्यों चेक करना, मुझे समझ में नहीं आता कि फोन को क्यों चेक किया जाता, बिकॉज किसी को गलत काम करना है तो उसको रोक नहीं जा सकता, आप रोक ही नहीं पाओगे उसे, वो करेगा कैसे भी करेगा। थोड़ा सा आज़ादी दो, बिकॉज उसकी पर्सनल लाइफ है। ये पर्सनल लाइफ क्या होती है, क्या है ये चीज। देखिए मैं सभी पेरेंट्स से एक बात बोलना चाहूंगा कि सर एक मिट्टी है, उस मिट्टी को हाथ में मिट्टी में पकड़ो, उसको और प्रेस करो, आसपास से और निकलो, उसको और प्रेस करो, आसपास से और निकलो। अब अगर बच्चों को दबा के रखोगे तो बच्चे हाथ से कहीं ना कहीं निकलेंगे ही नहीं। अब थोड़ा सा प्रेस करके देखो और थोड़ा शक भी करो, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल शक मत करो, आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा थोड़ा सा फ्रीडम दो। जैसे फोन वाली चीज है तो फोन पे ध्यान रखो, आपको लगता है उनसे बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, और आप उनसे बात करके ये क्लियर करो कि बेटा तुम्हें ये थोड़ी सी गलत चीज़ है। समय आने पे हम मना नहीं करेंगे, बट अभी आपका टाइम है अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना या आपकी दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना, अभी करेक्ट टाइम नहीं है उस चीज़ को अडॉप्ट करना। अगर आप ये चीज़ बोल दोगे तो बच्चा फ्री हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरी बाउंडेशन तो है नहीं मेरे। जब अगर हमें फोन मिल जाता है और अगर हम लोग फोन में सारे फ्रीडम मिल जाते हैं तो हमें मन ही नहीं करता फोन पे करेंगे। हमने गेम्स भी खेल ली है, सारी एप्लीकेशन देख ली, हमने अमेज़न पे शॉपिंग भी कर ली है, अब क्या करें, अब कोई टाइम नहीं है, तो फोन को साइड में रखते हैं। सेम एज जब बच्चे को बहुत कम समय के लिए आप फोन दोगे तो टूट पड़ेगा फोन के ऊपर, तो आप फोन जैसी चीज को थोड़ा सा फ्रीडम ही उनको दीजिए और डिटेक्टिव भी थोड़ा सा कम कर दीजिए, बिकॉज हमारे काम नहीं है, अभी हम पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के तरीके काम। एक और चीज, तुम इतना लेट कैसे हो गए, तुम्हारे दोस्तों को देखा तुमने, कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आप अपने ही बच्चे को कंपेयर करते हो तो उसे अजीब लगता है कि मेरे ही पेरेंट्स मुझे किसी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, वर्मा जी का बच्चा ये कर रहा है, शर्मा जी का बच्चा वो कर रहा है। नहीं, आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपका बच्चा जैसा है आपका खुद का, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारा भाई लेट आ सकता है क्योंकि वो लड़का है, तुम रात को 8 बजे घर आ जाओ, क्यों? हमारा समाज खराब, सिक्योरिटी नहीं, तो सिक्योरिटी के लिए आप सिक्योरिटी बनाइए, उसको पिकअप करने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन बनाइए जहाँ से आप पिक कर सको, उसको ये मत बोलो कि तुम जल्दी घर आ जाओ। लड़का और लड़की दोनों में बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए, अगर आप उनमें डिफरेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं खटके। वो लड़की सोचेगी कि मेरे पेरेंट्स उसको ज़्यादा चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते। दैट्स व्हाई कि ज़्यादातर पापा की फेवरेट होती है लड़कियाँ, गर्ल्स, और मम्मी के फेवरेट होते हैं बॉयज़, वो इसलिए होते हैं। एक माँ होकर लड़की की बातों को सुनना चाहिए,
ये बातें मैं उन पेरेंट्स की बोल रहा हूँ जहाँ ऐसी दिक्कत है, सभी पेरेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ चीज़। सो कुछ कुछ पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं जिनके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, बिकॉज मैं अप्रिशिएट करता हूँ पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें फ्रीडम देते हैं, उनके लिए समझते हैं उनको अच्छी तरीके से। तो थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा बदलिए, बच्चा भी शायद बदलिए, और सब बच्चे सारे पेरेंट्स पेरेंट्स ही बोलते हैं छोटा है क्या अंडरस्टैंड करेगा। सर देखिए हम एक टीचर हैं और टीचर के अंदर ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम सभी बच्चों को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, उनके अंदर कई सारी चीज़ों की समझ होती है, वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। यह अलग बात है कि ठोकर खा के समझ जाते हैं, लेकिन जब वो ठोकर खा लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम उसको बहुत बेटर तरीके से। और ये ज़रूरी भी है, जब तक तो इंसान ठोकर नहीं खाएगा तब तक वो इम्प्रूव कैसे करेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हमें बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो समाज को सोसाइटी को जाके समझे कि एक्चुअली सोसाइटी में वो क्या है। बेटा ये तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है तो तुम इससे दूर रहो, उसको खुद पता पड़ेगा थोड़े टाइम बाद, मम्मी वो अच्छा दोस्त नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, चीट किया उसने। आप हो सके जाके कुछ मत बोलो, अच्छा ऐसा हुआ ठीक है बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम ध्यान रखना ताकि तुम्हें ऐसा ना हो। और एक और वर्ड शायद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं हूं। अगर आप अपने बच्चे को, आपका बच्चा डिप्रेशन में है या दुखी है आज, आप जाके बोलो बेटा डोंट वरी मैं हूं ना, पोटेंशियल मतलब। अगर दोस्त है तो एक दोस्त को जाके बोलना चाहिए बेटा डोंट वरी मैं हूं तेरे साथ, तो टेंशन मत। ये सिंपल वर्ड आपको बहुत कुछ करा देता है, बिकॉज ये आपको अंदर से एक पोटेंशियल गेन करता है जिसकी वजह से हमको थोड़ी हिम्मत मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं, है हमारे साथ कोई। सो मेरे अकॉर्डिंग शायद ये चीज़ें करने से एक पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच, स्टूडेंट के बीच एक बहुत अच्छा सा रिलेशन क्रिएट हो सकता है। अब कुछ सुझाव और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे करने से शायद बहुत अच्छा हो सकता है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, जो बच्चे हैं उनसे बात करता हूँ। देखो आप लोग इतने छोटे नहीं हो कि आप चीज़ें समझ पाओ, ये एडवाइस ये है कि आपको सब कुछ समझने का टाइम देना चाहिए। आप इतने समझदार हो कि आपको अच्छे बुरे की पहचान है, तो आपको ये भी पहचान होगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। थोड़ा थोड़ा टाइम सभी को दो, खुद को भी दो, पेरेंट्स को भी दो, मम्मी पापा सबको दो, भाई बहन सबको दो, जिसके अकॉर्डिंग शायद आपके रिलेशन अच्छे होंगे। और पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि पेरेंट्स आपको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा बेटर अच्छा फील करेंगे। और स्टूडेंट आप सभी टीचर से थोड़ा अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, बिकॉज टीचर ही है आपका अच्छा दोस्त बन सकता है। और आप लोग अच्छे दोस्त बनाओ जिससे आपको अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जनरली हम लोग सिलेक्शन अच्छा नहीं कर पाते, हमें जब ये पता पड़ता है कि वो हमारा दोस्त अच्छा नहीं निकला। और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम आपको कुछ बताएंगे, वो कुछ इन्हीं चीज़ों से है। लेकिन उन सभी चीज़ों के लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे हमारी फेवरेट चीज़ें और सामाजिक विषयों पर हम जो बातें करेंगे वो आपको आप तक पहुँच सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है उसे लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा कि इसमें क्या कमी है और क्या अच्छा हो सकता है, ताकि हम अपनी वीडियो को और बेटर बना सकें। ठीक है, तो हमारी चीज़ों को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।